हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेरिका एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिराम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस का जो पेपर सेकंड आपका होने जा रहा है, मतलब पेपर फर्स्ट आपका रिटर्न एग्जाम हो गया, अब आपका पेपर सेकंड होने जा रहा है जिसमें आपको लेटर और एसे ये लिखने के लिए आपका आएगा। यही फाइनल स्टेज है, यही आपका आखिरी एग्जाम है पेपर सेकंड, ठीक है, एसएससी एमटीएस वालों का, जो 6 नवंबर को होने जा रहा है, ठीक है। तो इस विषय में आज मैं ये बात करूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर हम लेटर चूज करें कि एसे चूज करें एग्जाम में, मतलब क्या हम लिखें कि हमारे लिए बेनिफिट होगा और हमें ये क्वालिफाइंग नेचर का पहली बात होता है कि हम इसको आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट अभी असमंजस में है और इवन इफ मेरे कोचिंग में जितने भी कैंडिडेट हैं, जो ज़्यादा नहीं 3 से 4 कैंडिडेट लगभग एसएससी एमटीएस का एग्जाम लगभग पूरी तरीके से क्लियर कर लिया उन लोगों ने, तो वो भी यही पूछ रहे थे कि सर क्या मैं लेटर लिखूं, मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या मैं उसको आसानी से क्वालिफाई कर लूंगा क्योंकि उसमें कम लिखना रहता है, या मैं ऐसे लिखूं जिसमें ज़्यादा लिखना रहता है, एग्जामिनर का ध्यान भी उतना नहीं जाएगा और अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस रहेंगे, तो सर मैं क्या लिखूं। तो देखिए, सभी कैंडिडेट को बस आज के इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए, 2019 में जब मेरा एसएससी एमटीएस का प्री जब मेरा क्वालिफाई हुआ था, मतलब फर्स्ट पेपर पूरी तरीके से क्वालिफाई हुआ था और मैं पेपर सेकंड के लिए बुलाया गया था, ठीक है, पेपर सेकंड का मेरा एग्जाम हुआ, तो उस समय एग्जाम मैं भी देने में जा रहा था, तो मैं भी सोचा एसे लिखूं कि लेटर लिखूं, ठीक है। तो मैंने उस समय जो प्रेफर किया था, पहले बात तो मुझे मालूम चला कि हाँ भाई ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो आपका सिलेक्शन होगा वो पेपर सेकंड के बेस पर ही होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन मैंने भी काफ़ी टीचर से एडवाइस किया कि सर मैं क्या करूं, लेटर लिखूं कि ऐसे लिखूं, किस इसमें मेरा यानी बेटर रहेगा, मैं कम लिखूं और अच्छे मार्क्स गेन कर लूँ। काफ़ी टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था कि पेपर सेकंड में आप लेटर लिखिए, ठीक है, लेटर लिखिए, बस लेटर का फॉर्मेट अच्छा लिखिए, ठीक है, मतलब मुझे मालूम था कि हाँ भाई ये क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन सभी टीचर ने सजेस्ट मुझे किया था कि पेपर का लेटर का फॉर्मेट आप बहुत सही से लिखिएगा, किस जगह आपको एड्रेस डालना है, डेट डालना है, ठीक है, पिन कोड डालना है, फिर उसके बाद किसे आप लिख रहे हैं उनका लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद कहाँ पे श्रीमान लगाना है और किस वे में आपको सीधे एकदम पूरा लिखना है और बीच में शब्दों का मतलब कोई भी ग्रामर की दृष्टि से कोई त्रुटि ना हो, अच्छे शब्दों में लिखिए, कम शब्दों में लिखिए, मतलब अपनी जो भी बातें आप कह रहे हैं उसे संक्षिप्त में लिखिए, छोटे में लिखिए, लेकिन उसे ज़्यादा फैला कर भी मत लिखिए और एक नियमित तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिए लेटर लिखने का। अगर कोई भी लेटर आ रहा है तो कुछ वर्ड ऐसे याद कर लीजिए जो सभी लेटर में होते हैं, ये चीज़ें मुझे सजेस्ट किया गया और मुझे अच्छा लगा कि हाँ मुझे लेटर लिखना चाहिए। लेकिन कई लोगों ने कहा कि हाँ आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, ऐसे में ये रहता है कि आपको हेडिंग टू हेडिंग याद कर लीजिए, हाँ ये चांसेस है आने के तो इसे याद कर लीजिए, ठीक है, जैसे जीएसटी पे मैं उस समय याद कर गया था, जीएसटी पे आ सकता है, ठीक है, और बहुत सारे थे, नोटबंदी उस समय था तो नोटबंदी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत सारे ऐसे थे जो करंट का आपको तैयार करके जाना है और हेडिंग हेडिंग अगर आपको याद रहेगा तो आप पूरा लिख ले जाओगे और एग्जामिनर बस आपका हेडिंग देखेगा, थोड़ा जस्ट थोड़ा लाइन देखेगा, फिर उसके बाद उसमें आपको नंबर मिलने के भी चांसेस रहेंगे क्योंकि लेटर में रहता है एक दो बार जहाँ मिस्टेक रहता है एग्जामिनर तुरंत वहाँ सर्कल करेगा आपका नंबर काट लेगा, लेकिन ऐसे में क्या रहता है, ऐसे में वो पूरा पैरा पड़ेगा, अगर उसे अच्छा लग रहा है आपने सही शब्दों में लिखा है तो पढ़ता जाएगा और उसमें अगर कहीं मिस्टेक भी होगा तो एक या दो पॉइंट कहीं मिस्टेक होगा तो वो उतना इग्नोर भी कर सकता है क्योंकि ऐसे में आपको ज़्यादा लिखना रहेगा और लेटर में आपको कम लिखना रहेगा, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि हाँ मुझे लेटर लिखना चाहिए कि ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन फाइनली मैंने जो डिसाइड किया मैंने लेटर लिखा, ठीक है, मेरा कोई तैयारी वैयारी नहीं था क्योंकि उस समय एसएससी का मेरा एग्जाम था और उस समय मेरा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट इसका भी मेरा लगभग आसपास में मेरा एग्जाम था, मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने जो तैयारी किया लेटर का वो लगभग ज़्यादा ज़्यादा मैंने 10 से 15 से 16 दिन के करीब लगभग मैंने तैयारी किया और मैं एक रुकमणी प्रकाशन का मैं एक बुक लेकर आया, उससे पूरा जितना भी लेटर था उसको मैं लिखता था, पहले तो एक बार रीड कर लेता था, पढ़ लेता था, समझ लेता था, फिर उसे बिना देखे अच्छे से एक फॉर्मेट बना लिया था मैंने, उसी फॉर्मेट में पूरा लिखता था, तो मुझे मालूम था क्वालिफाइंग नेचर का है और मेरे 15 से 16 दिन की तैयारी में मेरा टोटल 50 में से 35 नंबर मेरे आ गए थे आराम से, मैं पूरी तरीके से क्वालिफाई था क्योंकि क्वालिफाइंग के लिए मैं भी मेरे ख्याल से उस समय का मैं बता रहा हूँ 50 में अगर आप 17 या 18 नंबर लेकर आओगे तो आप क्वालिफाई माने जाओगे, लेकिन मेरा 35 नंबर आया था, अच्छी तैयारी नहीं थी लेकिन फिर भी मैं 10 से 15 दिन में अच्छी एक कंप्लीट मैंने तैयारी किया और मैंने पूरा डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे यही देना है, लेटर ही देना है, तो लेटर मैंने अच्छे से लिखा, पूरा ही तैयारी किया, एक फॉर्मेट बस ये रहता है लेटर में, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है, आपको बस जो लेटर रहता है उसका हेडिंग लग कर देख लीजिए और उसके बाद एक फॉर्मेट पूरा अपने माइंड में रखकर जाइए कि हाँ अगर ऐसे आएगा तो इसी फॉर्मेट में पूरा लिखेंगे, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि जगह डेट है, कि जगह किसको लिख रहे हैं, पिन कोड, एड्रेस, अपना एड्रेस कहाँ लिखना है, मतलब अपना नाम वगैरह कहाँ पे लिखना है और सब्जेक्ट कहाँ पे लिखना है, मैटर कैसे रहना चाहिए, ये सब मैंने पूरा माइंड में फिट कर लिया और मैंने 10 से 15 लेटर लगभग मैंने प्रैक्टिस किया था, उस बेस पर मैंने एग्जाम दिया और मेरा 35 नंबर मेरा आया था उस समय, ठीक है, और काफ़ी अच्छा था, मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो जितने भी कैंडिडेट जिनका 6 नवंबर को एग्ज़ाम है, सबसे पहले ऑल दी बेस्ट आप सभी लोगों को, आप सबका एग्ज़ाम है
आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लेटर ही लिखिए, क्योंकि लेटर ये रहता है कि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि जो आपको वहाँ पे जो कॉपी मिलेगी, तो कॉपी मिलने के बाद सभी कैंडिडेट लिखने बैठ जाते हैं जल्दी जल्दी, उसमें ये रहता है कि समय आपके पास बहुत कम रहता है और उसमें आपकी गलती होने के भी चांसेस बहुत रहेंगे। जैसे बस सब लोग कहते हैं कि आपको चार चार पाँच पाँच बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में आपको लिखना रहेगा, लेकिन उस समय जो मुझे मिला था, कॉपियाँ जो मिली थी, एक कॉपी मिला था ठीक है, उस पर थोड़ी थोड़ी लाइनिंग थी, ये मैं कह सकता हूँ ऐसे ऐसे, इसको क्या कहते हैं, इसको हॉरिजेंटली हॉरिजेंटल ऐसे लाइनिंग थी ठीक है, और थोड़ा थोड़ा वर्टिकली लाइन, हाँ वर्टिकली लाइन था, वर्टिकली भी लाइन ऐसे ऐसे था, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा ज़्यादा थे। ये है कि जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालें तो उसमें आसानी से आ जाएगा। तो मैंने लेटर लिखा था और लेटर लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहता है। मैं ये सजेस्ट करूँगा आप सभी लोग लेटर लिखिएगा ठीक है। अब 6 नवंबर को एग्जाम है, ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो अच्छे से लेटर को तैयार कर लीजिए। और जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। #हमारे ऑफिशियल